किसान भाइयों, हम जो आज फील्ड में आए हैं और ये मिर्ची खेती देखने आए हैं और ये मिर्ची में सारे फंगस लग गया है अभी, और उसके लिए अच्छा दवाई है, उसको यूज करने से अच्छा होगा, तो इसके लिए नोटिफो डालना पड़ेगा जो सिस्टमली फंगस से लग हुआ और पानी ज़्यादा भर गया है मिर्ची की खेती में, और उसके लिए डालना पड़ेगा फुल फ्लावरिंग के लिए ग्रेनरी डालना पड़ेगा। और जो हमारा जो सिस्टमली फंगिसाइड लग गया है ये वार्षिक बारिश के प्रॉब्लम में आ गया है, लेकिन वो अच्छा होगा। अभी तो हम शुरुआत खेती देखा रहे हैं, अभी तो खेती का नुकसान के समय में हम देखा रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो अच्छे से वीडियो बनाकर आपको देंगे और अच्छे देखेंगे यही खेती में, यही जगह में आपको ये पौधा को अच्छा करने के लिए, अच्छा सोच रखने के लिए हम आए हैं। और किसान ऐसा है, किसान का नुकसान नहीं पहुंचाने के लिए हम एक बार आया है, उन्होंने हमको बुलाया है, लेकिन देखा मैं तो बहुत सारा नुकसान हो गया मिर्ची की खेती में। लेकिन इसमें हम डाले थे साइक्लोन और वायरस डाले थे पहले, वो अच्छा आया था, लेकिन बीच में हम नहीं आ पाए तो इसीलिए अच्छा नहीं हुआ। फिर भी देखिए गच का ग्रोथ कैसा आ रहा है, गच का ग्रोथ कैसा आ रहा है, देखिए फ्लावरिंग कैसा आ रहा है। ये देसी मिर्ची है उड़ीसा का, हम बरगढ़ से बोल रहे हैं जी, जो हमारा विलेज है उनका हाथीपाली और इसका ब्लॉग है भिड़ेन। और मिर्ची खेती अच्छा रहेगा ये तो मेरे सोच है, किसान को भी ज्यादा बेनिफिट दे, वो सोचा है तो किसानी में कुछ फायदा होने चाहिए, इसीलिए वो हमको बुलाया है। तो हम पहली बार आए हैं मिर्ची की खेती देखने के लिए और ये अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है। तो जो सिस्टमली फंगिसाइड लग रहा है उसको नटिवो 15 लीटर वाटर में 25 ग्राम डालने तो आ जाएगा, और वो थ्रिप्स और माइट्स के लिए जो हमारा है प्रोडक्ट साइक्लोन डालने से मिर्ची की पत्ती ऑटोमेटिक खुल जाएगा, उसके लिए थोड़ा सा उसमें वायरस मिलाकर देने से पत्ता अच्छा से खुल जाएगा, उसमें तो नेमोटेट का समस्या नहीं है। अभी जो देख रहे हैं वो प्लांट अच्छा आएगा सभी, तो सिस्टमली अभी तो खेती बर्बाद होने के समय हमको किसान लोगों ने बुलाया है। नेक्स्ट टाइम हम जो दवाई बताएंगे उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो डालेंगे हम उसको देखना, वो अच्छा रिजल्ट ही रहेगा, और आपको नेक्स्ट प्रोसेसिंग में हमको फिर एक बार वीडियो हम बनाएंगे। नमस्कार किसान भाइयों, एक बार देखिए हमारे साथ जुड़ी हुए तो किसान का कैसे मुनाफा होगा, इसीलिए सब किसान लोगों को मेरे ये अनुरोध है, मिर्ची की खेती कीजिए, बैंगन की खेती कीजिए, परवल की खेती कीजिए, ठीक है। हमारा फर्स्ट दो वीडियो हम डाल रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो हमारा फिर आएगा। नमस्कार।